तमीज, इतनी तहजीब, इसकी भाषा सुधर गई, इसके बोलने का ढंग, इसको लोगों का मिलने का ढंग, वो शिष्टाचार, दिमाग का स्तर, चीजों को समझना, ये कैसे बढ़ गया? ये संगीत की देन है, है ना? मैंने कहा ना कि संगीत की ऐसी साधना है, जैसे आपको बोला था रियाज का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, नॉलेज कम्स टू यू। आपका ब्रेन देखिएगा कैसे इंप्रूव हो जाएगा जब मैं ये चीजें आपको करा रहा हूं ना, ये जब चीजें करेंगी मुस्कुराने वाले थे भला गमों से। देखिए, मैं इस चीज पर आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। मेरी एट्थ में मेरी मैथमेटिक्स की टीचर थी, मैंने शायद ये वाक्य सुनाया आपको, पहले कहा है, बताया क्या? नहीं। तो एट्थ में मेरी मैथमेटिक्स की टीचर थी, तो उन्होंने मेरे पिताजी, क्योंकि मेरे पिताजी उसी स्कूल में म्यूज़िक टीचर थे जहाँ मैं पढ़ता था बचपन से, है ना, तो ये जितना बड़ा फ़ायदा है उतना बड़ा नुकसान भी है कि आपके ही पिताजी जो हैं वो उस स्कूल में हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अगर दूर रहते हैं तो बढ़िया रहता है, पर क्या है, मेरे पेरेंट उधर ही थे, तो टीचर को जो रीच थी, अवेलेबिलिटी थी, वो तो ये रही कि इसके तो पेरेंट को शिकायत करनी, म्यूज़िक रूम में चले जाओ, वहाँ जाके तुरंत सुना दो इसके पापा को कि सर क्या कर रहा है लड़का आपका, है ना। खैर, तो उसके लिए एक बार क्या हुआ, हमारी मैडम ने पिताजी को यूं ही ऐसे बोला कि सर ये इसकी, आप तो ये संगीत छुड़वाओ इसका, आप बहुत ज़्यादा इसको म्यूज़िक में रखते हो, देखो इसका पूरा स्टडीज़ पे कैसा असर आता है, मैथमेटिक्स देखो इसकी कितनी वीक है, कर ही नहीं पा रहा है ये तो चीज़ें। तो पिताजी अब ठीक है, कुछ बोले नहीं उस समय, कुछ नहीं बोले। फिर क्या हुआ, अगली क्लास में गया नाइन्थ में, तो नाइन्थ में कोई दूसरी टीचर हमें पढ़ा रही थी गणित, है ना, जो एट्थ में जिसने पढ़ाया था वो वाली नहीं, वो वाली मैडम नाइन्थ के दूसरे सेक्शन को पढ़ाती थी, मेरे वाले सेक्शन को नहीं पढ़ाती थी। तो फाइनल एग्जाम्स आए, रिजल्ट आया, तो मेरे लगभग कुछ 9.4 CGPA बने, उस समय वो CGPA वाला ही टाइम पीरियड आ चुका था हमारे, है ना, तो परसेंटेज नहीं होते थे, डायरेक्ट CGPA, तो वो 9.4 बने, और मैथमेटिक्स में भी उतने ही मेरे अच्छे मार्क्स आए, 90% करीब मार्क्स आए। तो पापा गए जब रिपोर्ट कार्ड लेने, तो हमारी क्लास टीचर बैठी थी और बगल में ही वो हमारी मैथमेटिक्स की टीचर बैठी थी, तो पापा ने जब वो रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे पापा को, वो मैडम, तो मैम ने बोला कि आपका बेटा तो बहुत बढ़िया कर रहा है, मतलब आपने तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, इसके टॉप 5 में काम किया, और म्यूज़िक के होते होते भी बावजूद भी इसने ये सारा मैनेज किया, ये बहुत ताज्जुब की बात है, बाकी बच्चे तो एक चीज़ होती है तब भी नहीं कर पाते हैं, आपका बेटा तो दोनों चीज़ों में एक्सेल कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर पापा मजे लेने के लिए, ताने देने के लिए वहीं खड़े खड़े, नहीं मैडम मैं तो सोच रहा हूँ इसके मैं म्यूजिक छुड़वा दूँ, देखिए ना मैथ्स में इसके सिर्फ 90% आए मार्क्स, इसे तो मुझे छुड़वा दे। तो बगल में मैडम देख रही, वो कह रही सर आप मजे ले रहे हो मेरे, तो बोले नहीं मैडम आप देख लो, देखो 90% आए मैम मैथ्स में, इसको तो छुड़वा देना चाहिए म्यूजिक मुझे। खैर, इस किस्से से मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ, संगीत एक ऐसा विषय है ना, ये आनंद का विषय है, ये दिमाग का विषय ही नहीं है, तो इसमें दिमाग लगना ही नहीं होता है। जो आप जिस चीज़ की परेशानी में हो ना कि इसमें यार दिमाग ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इसमें दिमाग लगता ही नहीं है, ये दिल का काम है, इन्जॉयमेंट का काम है। अब यार इन्जॉय करने में दिमाग लगाना पड़ता है क्या, कोई टीवी पे फेवरेट चीज़ देखनी है, मूवी देखनी है, अरे यार मैं पढ़ाई भी करूँ मैं मूवी भी देखूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मूवी तो आप इन्जॉय करते हैं, इंसेप्शन थोड़ी देखनी जो दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्रिस्टोफर नोलन ने क्या बना दिया, कौन ख्वाब से उठ रहा है कौन नहीं उठ रहा है, ऐसी मुश्किल पिक्चरें देखनी पड़ रही हो कि सॉल्व करना पड़ रहा है कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा कि बाहुबली ने किसको मारा, मतलब हुआ क्या था, कोई आप बैठ के नोट्स नहीं बना रहे हो, है ना। उस तरह से हम जब एंटरटेनमेंट के लिए वो करते हैं, क्यों आनंद आता है हमें, संगीत, स्टडीज भी कहती हैं, साइकोलॉजी भी कहती है कि संगीत या कोई भी आर्ट जब आप करते हो तो आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, आपके अंदर क्षमताएं बढ़ती हैं, कैपेबिलिटी बढ़ती हैं। मुझे संगीत ने हमेशा मदद करी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि संगीत की वजह से मेरा सब्जेक्ट या मेरी पढ़ाई डाउन हुई, 90% से नीचे मेरे कभी मार्क्स नहीं आए, है ना। आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट मैं बता रहा हूँ कि संगीत का कैसे असर हुआ, मैंने आप माने ही नहीं, हमारे तो ऐसे ऐसे वाकई हुए हैं, हमारा अगले दिन एग्जाम है, आप बोर्ड एग्जाम की अभी से डर रही है ना, मेरे बोर्ड एग्जाम कल पेपर है, रात में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए ना, अगले पिछले दिन मुझे पढ़ना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट, मैं पिछले दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बैठ के, है ना, पिताजी ने बोला कि आओ ये गज़लें रिकॉर्ड करनी, मैंने कहा पापा कल पेपर है मेरा, मैं उनको कह रहा हूँ पापा कल पेपर है, बोले पीटी के पेपर होता रहेगा, अगर साल भर पढ़ाई की होगी तो एक दिन में कुछ नहीं उखाड़ लोगे, है ना, और साल भर नहीं करी होगी तो एक दिन में कुछ नहीं उखाड़ लोगे, अगर साल भर करी होगी तो एक दिन में कुछ बिगड़ भी नहीं जाएगा तुम्हारा, है ना। अगर इतना ही तुम्हें भय था कि भाई अब एग्जाम है पढ़ाई, तो साल भर क्या झक मारी थी क्या, है तो मैं ये भी नहीं कह सकता पापा साल भर भी मैं संगीत ही कर रहा था, वैसे टेक्निकली तो क्लास में कम होता था, म्यूजिक रूम में ज़्यादा होता था, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस संगीत की वजह से मेरी पढ़ाई कभी कमज़ोर हुई हो, है ना। ये बात अगर आपको कोई और बोले तो हो सकता है आप विश्वास ना करो, पर मैं विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, है ना, कि मैंने पढ़ाई करी और संगीत किया, और ये ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ, नहीं, मेरे साथ जितने बच्चे जिन्होंने हम संगीत किया है और साथ में काम किया पढ़ाई करी, हम में से कोई पीछे नहीं था।
इनफैक्ट पापा ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए बच्चों पे, कई ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई में भोंट एकदम नील बटा सन्नाटा, गंदगी एकदम गंदे रहते थे, साफ सफाई का उन्हें भान नहीं कि भाई कपड़े कैसे पहनने, मुंह गंदा हो रहा है ना, क्योंकि स्कूल के बच्चे, ठीक है, उनको पापा ने संगीत में लिया, ऐसे गंदे बच्चों को जिनको हर टीचर निग्लेक्ट करता था, ये मेरे सामने देखी चीज़ें, हमने कहा यार ये तो क्या करेगा, बेकार आदमी है, बदमाशी, एक नंबर के बदमाश, अव्वल दर्जे के शैतान, क्यों क्लास में बैठ नहीं सकते हैं सीधे, है ना, आप तो फिर भी मेरे को सभ्य लग रही हैं कि आप बैठती हैं, क्योंकि यहाँ बैठती हैं तो मालूम चल रहा है कि यहाँ तमीज़ है आप में बैठने की, है ना, पर कई स्टूडेंट्स तो ऐसे बैठे नहीं जा रहे हैं ना, मज़े ले रहे हैं टीचर के, पीछे बैठे बैक बेंचर्स जिसको कहते हैं, ऐसो ऐसों को पापा ने चुन चुन के अपनी क्लास में बिठाया कि मैं इनको संगीत सिखाऊंगा, है ना, क्योंकि पापा ने यहाँ तक दावा किया कि अगर जेल में जितने कैदी हैं ना उनको भी अगर शास्त्रीय संगीत सिखाने लग जाओ वो सब सुधर जाएंगे, ये पिताजी ने दावा किया कि आप सिखा के तो देखो उनको, शास्त्रीय संगीत चीज़ ऐसी है, इतनी अध्यात्म की चीज़ है, इतनी स्पिरिचुअल, इतनी आनंद की चीज़ है, उन सब के दिमाग सुधर जाएंगे, खुराफात उनके दिमाग से निकल जाएगी, गंदगी या जो नेगेटिविटी वो सब निकल जाएगी, संगीत ऐसी चीज़ है, ये साइंस मानती है, साइकोलॉजी मानती है इसको, मनोविज्ञान आप पढ़िए संगीत के बारे में, अरे संगीत सुना सुना के तो पौधों की ग्रोथ बढ़ा देते हैं लोग, इंसान क्या चीज़ है, इंसान में तो फिर भी बुद्धि है, पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है, आपने ये एग्जांपल्स अगर सुने हो तो, कि पौधों को सुनाते हैं संगीत, वो शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो टोनी कक्कड़ के गाने सुना रहे हो, पौधों को ऐसे नहीं बादशाह के रैप सुना रहे हो, हनी सिंह के गाने नहीं, शास्त्रीय संगीत, तो ये हुआ ऐसे गंदे गंदे बच्चों को पापा ने लिया, उनके पेरेंट्स आए हैं स्कूल और आके पिताजी के चरण स्पर्श किए कि सर आपने तो हमारे बच्चे का जीवन बदल दिया, इसको बैठने खाने की तमीज़ नहीं थी, आपने ऐसा क्या किया, तो बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ संगीत सिखाया इसे, संगीत ने ऐसा डिसिप्लिन कर दिया, मैं खुद ऐसा बच्चा हूँ जिसको आप कहते हो ना कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है और मैं बात ठीक कर लेता हूँ ये वो, मेरे आप रिकॉर्ड उठाओ पुराने वाले, आपको मालूम चलेगा मैं इतना कांडी आदमी था, मैंने ऐसा कोई बुरा काम नहीं जो नहीं किया स्कूल में, इतना बदमाश लड़का मैं, है ना, मेरे जो बचपन के जो टीचर्स हैं जब मैं पढ़ता था छोटे पे, तो वो कहते यार ये लड़का और आज यूट्यूब पे ऐसी बातें कर रहा है जैसे तो पता नहीं इसको कितना ज्ञान हो, इतना तमीज़, इतनी तहजीब, इसकी भाषा सुधर गई, इसके बोलने का ढंग, इसको लोगों का मिलने का ढंग, वो शिष्टाचार, दिमाग का स्तर, चीज़ों को समझना, ये कैसे बढ़ गया, ये संगीत की देन है, है ना, मैंने कहा ना कि संगीत की ऐसी साधना है, जैसे आपको बोला था रियाज का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, नॉलेज कम्स टू यू, आपका ब्रेन देखिएगा कैसे इंप्रूव हो जाएगा, जब मैं ये चीज़ें आपको करा रहा हूँ ना, ये जब चीज़ें करेंगी आप, है ना, इवन आप अपने टीचर्स से पूछ लीजिएगा, अगर वो टीचर्स थोड़ी बहुत भी समझदार हुई ना, इस चीज़ को समझती होंगी, जो सिर्फ ऐसा नहीं कि किताबी भाषा या किताबी ज्ञान, जो जिंदगी को समझेंगी ना, वो ये आपको बोलेंगे कि नहीं बेटा आर्ट मत छोड़ना, आर्ट नहीं छोड़ना, पढ़ाई के साथ साथ अगर आर्ट किया है, है ना, ये चीज़ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बोली है, अल्बर्ट आइंस्टीन को तो सब मानते भाई दुनिया का इतना बुद्धिमान आदमी, है ना, उसके जितना बुद्धिमान टॉप में कोई हुआ नहीं आज तक, उसने बोला है कि यार मेरा अगर ज़िंदगी से जाने का एक रिग्रेट है तो वो ये है कि मैं आर्ट को और समय नहीं दे पाया, मैं और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, वायलिन बजाते थे वो बहुत बाकायदा, क्लासिकल बजाते थे, है ना, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं आर्ट को और समय दे पाता तो बहुत बढ़िया रहता, तो आर्ट की ये, आर्ट में ये ताकत होती है, ये है, प्रूवन है, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं है, प्रूवन है, मेरे अपने ऊपर है, और मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, है ना, जिनको खड़े रहने का ढंग नहीं था और आज वो स्टेज संभाल रहे हैं, ऐसे मतलब बड़े बड़े लोगों को, वो 40,000-50,000 की पब्लिक को ऐसे हैंडल करते हैं, पब्लिक हैंडलिंग आ जाती है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने जवाब पर भरोसा आ जाता है, इनफैक्ट आप क्रिएट करने लगते हैं उपज जिसे कहते हैं, क्योंकि रटोगे कब तक ये बताओ ना, जिंदगी में कितनी किताबें, कितने जवाब रटोगे ये बताओ, आपको सामने कोई जवाब आया है, कंसेप्ट क्लियर है, तो लिखने में क्या देर लग रही है, आप ऐसी ऐसी एग्जांपल्स वहाँ लिखते हो, अभी मुझे कंसेप्ट क्लियर है तो मैं बोल पाता हूँ ना, ऐसी ऐसी एग्जांपल्स दे पाता हूँ जो मैंने कहीं नहीं देखे, और मैंने ज़िंदगी क्यों दी है, ऐसा भी नहीं है, और यही काम मैंने पढ़ाई में भी किए हैं, मैं जिस तरह से एसेज लिख के आता था या चैप्टर्स के आंसर्स लिख के आता था, इवन साइंस के भी, टीचर्स भी होते थे यार बेटा ये तो किताब में है ही नहीं, तुमने कहाँ से लिखे, मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है ये होना चाहिए, तो वो सही होता था, और ये चीज़ मेरे पिताजी में भी थी, और ये हमारे जितने स्टूडेंट्स को पापा ने संगीत सिखाया, शास्त्रीय संगीत सीखे, उन सब में थी, क्यों, ये क्रिएटिविटी का काम है ना, अभी तो खैर चलो मैं आपको अभी टेक्निक सिखा रहा हूँ, पर आगे तो क्रिएट ही करवाऊंगा ना, बताया ना मैंने कि एक अलंकार सिखाऊंगा, आगे अलंकार बनाने पड़ेंगे, गाने बनाने पड़ेंगे, तो जो क्रिएटिव दिमाग वाला होता ना, चहुमुखी विकास कहते हैं इसे, आपका ब्रेन जो है लेफ्ट और राइट दो उसमें बटा हुआ है, तो लेफ्ट ब्रेन मेरे ख्याल से आपका जो है क्रिएटिव ब्रेन होता है, वहाँ से क्रिएटिव काम होते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया था कि भाई आईएएस की तैयारी में भी जितना मुझे मालूम है वो लॉजिकल रीजनिंग और उस सब के भी क्वेश्चंस आते हैं, क्यों आते हैं, आगे कहीं काम नहीं आते हैं आपके सब्जेक्ट में, लेकिन उससे बुद्धि क्रिएट होती है, आपकी स्तर बढ़ता है ना, इवन आर्ट का भी टॉपिक होता है मेरे ख्याल से, है ना सर, आर्ट का भी उसमें पूरा एक अलग सेक्शन होता है, आर्ट की भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है कि क्लासिकल म्यूजिक और उसके बारे में, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कर रहे हैं, तो मैं उनसे मैं देखता सीखता रहता हूँ, मैंने कहा देखो अब तुम्हारे इसमें भी काम आ ही रही है सारी चीज़ें, तो वो है, इससे कभी मत घबराना आप
किसी दूसरी चीज से घबरा लेना पर संगीत से मत घबराना कि संगीत आपकी पढ़ाई खराब करेगा, ये सबसे बड़ा झूठ है, हो ही नहीं सकता, है ना। मेरे साथ साथ रहने वाले जितने स्टूडेंट्स, कई ऐसे भी थे जिनके माँ बाप नहीं माने कि नहीं नहीं सर अब ठीक है ये बातें तो आपकी ठीक हैं पर नहीं हम तो नहीं रिस्क लेना चाहते, बच्चे के 2 साल बर्बाद हो जाएंगे 9th 10th। तो पापा ने बोला ठीक है जैसी आपकी इच्छा भैया, है ना। वो वाली बात है कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, है ना। तो वो वाली बात हो गई उनके साथ भी कि छुड़वा दिया संगीत, छुड़वा दिया 2 साल एकदम बंद, 2 साल बाद उनका 10th का रिजल्ट और मेरा 10th का रिजल्ट 70-80% पे रह गए वो, और मैं तो 90-95 पे पास होके निकला हूँ आराम से, और दोनों साल मैंने संगीत किया बिल्कुल नहीं छोड़ा, है ना। इवन रिकॉर्डिंग्स करिए, मैं कह रहा हूँ ना बोर्ड्स के टाइम, ये मैं प्रूफ है मेरे पास इसका कि मैं तारीखें बता दूंगा, मैंने वीडियो इस दिन अपलोड किया, इस दिन रिकॉर्ड हुई थी और अगले दिन मेरा बोर्ड का पेपर था और मैं देखे आया हूँ बाकायदा बहुत अच्छे से पढ़ के, है ना। क्यों? क्योंकि आप क्रिएटिव हो जाते हो, चीज़ों को जवाब देने का आपका ढंग ऐसा होगा जैसा किसी का नहीं होगा। जो आंसर आपने लिखा वो आंसर धृति के जैसा आंसर किसी ने नहीं लिखा होगा, है ना। ये कब हो पाता? क्रिएटिव, वरना वही आंसर यार आप भी लिखोगे वही दूसरा भी लिखेगा, वो तो टीचर पढ़ पढ़ के बोर हो जाएगा कि यार ये तो किताब में भी लिखा है, तू अपना बता ना तेरा दिमाग कहाँ तक चलता है, है ना। यही बातें तो बरसों से करते आ रहे हैं जो आपकी किताबों में लिखी हैं, बरसों से आप इकलौते थोड़ी है जो पढ़ रहे हो, आप जैसे हज़ारों निकले हैं हज़ारों आएंगे भी, पर जीवन में अगर कुछ करना है तो क्रिएटिविटी चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को इस चक्कर में, मिल रही हैं क्या आप बताइए ना? ये मैंने ये तो फैक्ट बोलता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि वही घिसी पिटी नॉलेज से आगे बढ़ रहे हैं, और अव्वल दर्जे पर कौन है? जो टॉप हैं दुनिया के, टॉप 10 हैं, टॉप 5 हैं, उनको देखिए, वो सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कुछ बनाया है। फेसबुक क्रिएट की गई ना, नया एप्लीकेशन पैदा किया कैम्ब्रिज में जहाँ वो पढ़े हैं वहाँ का। मैंने एक मूवी देखी थी जिस पर ये बनी है, सोशल नेटवर्क, जिस फेसबुक के ऊपर मूवी बनाई है किसी ने, तो उसमें वो बताते हैं कि हम यहाँ कैम्ब्रिज में बच्चों को नौकरी के लिए तैयार नहीं करते, हम नौकरी पैदा करवाते हैं इनसे, काम पैदा करो तुम, नया क्या कर सकते हो, है ना। अमेज़न कह लो या माइक्रोसॉफ्ट कह लो, एप्पल कह लो, ये लोग जो अव्वल दर्जे पे हैं ये क्रिएटर्स ही तो हैं। रट्टू तोते हैं क्या ये? कोई नौकरी नहीं कर रहा है इनमें से, ये क्रिएट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो आप वही करोगे अगर संगीत सीखा है तो, ये सारे के सारे आर्ट से जुड़े हुए हैं, और आपको भी आर्ट से अगर जोड़ा गया है, नसीब ने जोड़ा है आपको, न मैंने न पिताजी ने, ये नसीब ने जोड़ा है आपको, है ना। ये सत्य बात है, शास्त्रीय संगीत से जुड़े हो, भले मुझसे नहीं जुड़ते पर शास्त्रीय संगीत से जुड़ गए इसका मतलब नसीब है। तो संगीत को लेके तो कभी मत घबराना कि आपकी पढ़ाई को हिंडर करेगा, बेकार करेगा। हाँ, खेल कूद आपके ऊपर है भैया कि वो आप लिमिट कर लेना, है ना। अगर आप, क्योंकि वो भी नहीं है, खेलकूद भी जरूरी है, वो नहीं होगा तो वो भी विकास नहीं होगा आपका, है ना। मेरे पिताजी खुद मुझे कहते हैं कि क्या तुम दिन दिन भर अगर कंप्यूटर के सामने एडिटिंग ही करते रहेगा तो पागल हो जाओगे, थोड़ा आओ खेलो, लोगों से मिलो, काम भी करो, है ना, और भी ऐसे मस्ती मजाक भी मारो, घूमो भी, वो सारी चीज़ें वो खुद करवाते हैं। हमारे स्कूल में होता था को करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी थी, इवन हमारा स्कूल बदनाम था इस चीज़ के लिए पूरे शहर में कि यार इनके स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं, बस खिलवाते रहते हैं बच्चों को, है ना। पर उस खेल कूद का क्या असर होता है कि हमारे बच्चे सारे के सारे क्रिएटिव निकलते हैं, कुछ नया कर पाते हैं, है ना। तो उससे कभी ना घबराना कि पढ़ाई आपकी ख़राब होगी, बोर्ड मस्त निकलेंगे आपके, ये मेरा दवा है, ठीक है।